बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश की तरफ देखेगा वो धराशायी हो जाएगा। पाकिस्तान की आदत बिगड़ चुकी है, लेकिन अब मोदी सरकार में कोई देश को छेड़ेगा तो उसे वो छोड़ेंगे नहीं। एहसास है कि भारत की सेना आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है। देश के फाइटर्स ने पाकिस्तान के उस हिस्से में हमला किया जहाँ कोई नागरिक नहीं था, केवल आतंकवादियों की फैक्ट्री थी। देखिए, भारत पाकिस्तान को लेकर के तनाव तो ये 1947 से है, लेकिन जो भी रहा है, जो जिस प्रकार का, पहले उनकी आदत बिगड़ चुकी थी। हम लोग, भारत की जो सरकारें थी वो रक्षात्मक रवैया अपनाती थी, और हम मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय, आज मोदी जी के आने के बाद ये है कि अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आज जो हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, ये कहा जाए तो एक अटैक मिनिस्ट्री के रूप में सामने आई है कि हमारे देशवासियों को, हमारे देश के सिपाहियों का, हमारे फौजी भाइयों का अगर कोई लहू बहाएगा तो उसका बदला, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए आज देश की जो स्थिति है, पूरी देश की फौज जिस प्रकार से डटी हुई है, पहली बार पूरी दुनिया को इस बात का एहसास है कि हिंदुस्तान जितनी मजबूती के साथ पिछले अनेकों वर्षों से आतंकवाद से लड़ रहा है, जितनी जिम्मेदारी के साथ लड़ रहा है, हमारे फौजी, हमारी फौज जितनी जिम्मेवारी के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, उतनी ही जिम्मेवारी के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो भी उतनी जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है, और पूरा फौज का मनोबल बढ़ा हुआ है। और अगर देश की तरफ कोई भी तिरछी निगाह से देखेगा तो निश्चित रूप से उसको धराशायी करने का काम करेंगे। MiG-21 के पायलट को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में गिरफ्तार कर लिया है, किस तरह से प्रयास रहेगा भारत सरकार का छुड़ाने का? अनेकों जहाज वहाँ के, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो हमारे फाइटर्स ने जाकर के, जो मिराजेज ने जो जाकर के वहाँ पे जो हमला किया था पाकिस्तान के अंदर घुस करके, वो वहाँ हमला किया था जहाँ पर कोई पाकिस्तान का नागरिक नहीं था, केवल आतंकवादियों का वो प्रोडक्शन फैक्ट्री थी, वो आतंकवादियों की फैक्ट्री थी, और जितने भी आतंकवादी थे वो वहाँ पर रहते थे। जिम्मेवारी के साथ जाकर के उनको किया, और उसमें मेरे ख्याल से कई हजार लोग मारे गए। उससे पाकिस्तान बौखला गया है, उनकी जितनी भी खरपतवार थी आतंकवाद की वो भी खत्म हो गई, जितने उनके आका थे वो भी खत्म हो गए, जो दो चार बचे होंगे वो बहुत जल्दी उनको भी, उनका भी काम तमाम होने वाला है। इससे वो भड़बड़ाए हुए हैं, पूरे आतंकवादी बिलों में चूहे की तरीके छुप गए हैं। उसके बाद उनको पास पूरी दुनिया को बताया भाई हिंदुस्तान ने जिम्मेवारी के साथ कि हमने ये काम किया है, और जो बता रहे हैं वही किया है। पाकिस्तान को लगा कि हमारी देश की जनता हमको गाली बक रही है, हमारी देश के सांसद वहाँ संसद के अंदर पाकिस्तान को, की सरकार को और प्रधानमंत्री को शेम शेम का नारा लगा रहे हैं। उनका ध्यान भटाने के लिए जो कई हजार वहाँ पर आतंकवादी मारे गए हैं, लोग उसकी चर्चा ना करें, केवल इसलिए उन्होंने अपने फाइटर अपने हिंदुस्तान की फौज सीमा में भेजे और हमारे यहाँ के फौज के ठिकानों को हमला करने की कोशिश की।